गुड मॉर्निंग एस डी डी बी स्टूडेंट्स वेलकम टू वीज क्लास सो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी विल रिवाइज चैप्टर सेकेंड आवर फैमिली फॉर योर यूनिट टेस्ट सो स्टूडेंट्स आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं इसलिए अब हम क्या है अपना सिलेबस थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसे लर्न करेंगे सो चैप्टर सेकेंड में क्या है आवर फैमिली हमारा परिवार सो so, स्टूडेंट्स पहले भी हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट किया था और कम लर्न किया था अगेन इसे रिवाइज करते हैं सो so, क्या है कि हम सभी क्या है एक फैमिली में रहते हैं ठीक है और फैमिली क्या होती है ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फैमिली मे बी बिग और स्मॉल सो क्या है फैमिली में क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और फैमिली क्या हो सकती है बिग और स्मॉल हो सकती है इसमें ये एक्टिविटी में आपको रिलेशन दिखाए गए हैं कि किसके साथ हमारा क्या रिलेशन होता है टाइप्स ऑफ फैमिली स्मॉल फैमिली बिग फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली स्मॉल फैमिली में क्या होते हैं पेरेंट्स और उनके वन या टू चिल्ड्रेन और बिग फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स और उनके टू और थ्री चिल्ड्रेन और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटी हमारे पेरेंट्स कजन सो सब मिल कर रहते हैं वो क्या होती है जॉइंट फैमिली और ये क्या है स्टूडेंट्स फैमिली ट्री नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या है आपको बताना है कि वट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स कि जिसके साथ आपका जो रिलेशन है उसे आप क्या बुलाते हैं नेक्स्ट है शेयरिंग वर्क सो फैमिली में क्या होता है सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वर्क को शेयर करते हैं हेरिडिट्री फीचर्स इसमें आपको रीड आउट करना है कि जो क्या होता है कि कुछ पर्सनस क्या है बिल्कुल सिमिलर लुक होता है उनका सो so, क्या होता है कि दीज सिमिलैरिटीज़ विच आर पास डॉन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं नेक्स्ट है इसमें आइडियल फैमिली सो जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं सपोर्ट करते हैं केयर करते हैं वो क्या होती है एक आइडियल फैमिली सो स्टूडेंट्स आपको दोबारा से कंप्लीट चैप्टर को रीड आउट करना है और अच्छे से लर्न करना है इसका बुक वर्क रिवाइज करते हैं टिक द राइट आंसर्स। सो इसमें कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जैसे आई एम सुनील मैं सुनील हूँ माई ग्रैंड फादर हैज़ हिज़ ओन बिजनेस मेरे ग्रैंड फादर का क्या है अपना खुद का बिजनेस आई एम हिज सो मैं उनका क्या लगूँगा सन ग्रैंड सन अंकल कजन सो ग्रैंड फादर के हम क्या लगेंगे ग्रैंड सन सो so, इस तरह से आपको इन बाकी आंसर्स को भी द आंसर्स को भी लर्न करना है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स सो व्हाट इज अ फैमिली फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स सो इसे आपको लर्न करना है वट वाई डू वी नीड अ फैमिली हमें एक फैमिली की जरूरत क्यों है we need a family for care for each other. So एक दूसरे की care के लिए हमें क्या है अपनी families की उनके support के लिए हमें अपनी family की ज़रूरत है What are hereditary features? Hereditary features क्या है Hereditary features are similarities between members of a family. एक family members में क्या similarities है वो क्या होती है hereditary features. What is an ideal family? An ideal family is the one

और एनी अदर मेंबर से आप क्या सीखते हैं नेक्स्ट है राइट यस और नो अगेंस्ट इस सेंटेंस आवर मदर इज़ आवर फादर्स वाइफ सो हमारी मम्मी क्या है हमारे पापा की वाइफ सो so, ये क्या है सही है सो so, क्या राइट करेंगे यस। सो स्टूडेंट्स इन सभी सेंटेंसेस को आपको रीड करना है और यस और नो को राइट करना है सो so, स्टूडेंट्स आपको अपने यूनिट टेस्ट के लिए इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और लर्न करना है और अपने क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इन्हें लर्न करके और अपने प्रैक्टिस नोटबुक में राइट करके देखना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू